अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज जो मैं टॉपिक पे बात करने वाला हूँ वो है ओमान कंट्री। और ओमान ही बहुत ही खूबसूरत कंट्री है जो कि यूएई के बगल में है और हर कोई जाना चाहता है यहाँ पे। तो कुछ मैं उन लोगों के लिए जो आप लेके आया हूँ, जो कि आप बहुत सारे ऐसी वीडियो देखे हैं जो कि वाइट कलर की थी, अब ये कंस्ट्रक्शन विभाग की है और इसमें आप जा सकते हैं। तो दोस्तों चलिए, मैं अप्लाई करने के लिए तरीका और वो चीज़ क्या क्या चाहिए अब आपको मैं बताता हूँ स्टेप बाई स्टेप। गौर से सुने, हमारे वीडियो को लास्ट तक देखें मैं क्या बता रहा हूँ और क्या रिक्वायरमेंट्स है। अगर ये पसंद आए, ये वीडियो पसंद आए, तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शेयर करेंगे तो दूसरे को हक में बेहतर ही होगा, शायद उसके वीडियो काम आ जाए। चलिए दोस्तों, अब मैं शुरुआत करता हूँ वो रिक्वायरमेंट्स के बारे में। दोस्तों, ये रिक्वायरमेंट्स ओमान से आई है और इसमें एक कंपनी है सम्स सजल ट्रेडिंग कंस्ट्रक्शन LLC, ये ओमान में है। आपको पता ही है कि ओमान में ओमानी रियाल चलता है और एक ओमानी रियाल 187 रुपये बनता है। ओमान और बहरीन का सेम करेंसी है। तो दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ वन बाय वन रिक्वायरमेंट्स। अगर इस रिक्वायरमेंट्स से आप रुचि रखते हैं और काम जानते हैं तो अप्लाई करें। दोस्तों, सबसे पहले इसमें स्टोर कीपर 20 चाहिए और इसमें जो सैलरी है 150 ओमानी रियाल है। आर्क वेल्डर 10 चाहिए, इसमें 140 ओमानी रियाल है सैलरी। पाइप फिटर 20 चाहिए, इसमें आपको 140 ओमानी रियाल है। पाइप फैब्रिकेटर चाहिए 10, इसमें आपको 160 ओमानी रियाल है। एसी टेक्नीशियन 10 चाहिए, 160 ओमानी रियाल है। ड्राइवर लाइट हैवी हम चाहिए, इंडियन लाइसेंस भी चलेगा। इसमें आपको जो सैलरी में बता दूँ कि 200 ओमानी रियाल है सैलरी। उसके बाद आपको स्प्रे पेंटर 20 चाहिए, इसमें 130 ओमानी रियाल सैलरी है। उसके बाद आपको सेंट ब्लास्टर जो मेसन होते हैं ये आपको 10 चाहिए, इसमें आपको 130 ओमानी रियाल है। इसमें मेसन प्लास्टर टाइल्स मेसन चाहिए 20 आदमी, 120 ओमानी रियाल है। सेटरिंग कारपेंटर चाहिए 20 आदमी, इसमें 120 ओमानी रियाल है। उसके बाद आपको स्टील फिक्सर 20 आदमी चाहिए, इसमें 120 ओमानी रियाल है। इलेक्ट्रिशियन 20 चाहिए, इसमें 130 ओमानी रियाल सैलरी है। इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन अगर आप हैं तो 10 आदमी चाहिए, इसमें 140 ओमानी रियाल सैलरी है। स्काफ होल्डर 10 आदमी चाहिए, 130 ओमानी रियाल सैलरी है। फायर वॉचमैन 10 आदमी चाहिए, 160 ओमानी रियाल सैलरी है। मैकेनिकल हेल्पर चाहिए, इसमें 40 आदमी चाहिए, 110 ओमानी रियाल सैलरी है। इसमें सिविल लेबर चाहिए, इसमें आपको 40 चाहिए, 110 ओमानी रियाल है। क्लीनर चाहिए 110 ओमानी रियाल सैलरी है। रिगर हमें 20 चाहिए और 120 ओमानी रियाल है। अब आपको मैं टर्म कंडीशन बताता हूँ इसमें कैसे अप्लाई करेंगे और कंपनी का टर्म कंडीशन क्या है। दोस्तों, इसमें ECR और ECNR दोनों एक्सेप्टेड हैं, ये दोनों पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज कम से कम 21 होनी चाहिए, बहरीन, ओमान और कुवैत के लिए 21 चाहिए और सऊदी के लिए इसमें 21 चाहिए, 21 से 40 होना चाहिए। ड्यूटी 8 आवर्स होगा बेसिक, उसके बाद 2 घंटा ओवर टाइम रहेगा। इसके बाद ये कंपनी आपको फ्री फूड और एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन और मेडिकल इंश्योरेंस दे रही है, यानी साइट पे आपके साथ कोई घटना हो जाता है, एक्सीडेंट बाय द वे, आप उस साइट पे आपके साथ कोई घटना इवेंट गुजर गया, आपके साथ कोई हादसा हो गया, तो कंपनी आपको 50 लाख के 60 लाख का इंश्योरेंस देगी आपके परिवार के लिए। और ये 2 साल का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा रहेगा, बहुत जल्दी कंपनी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दे रही है। तकरीबन आपको 10 से 12 दिन में आपको ये वीज़ा मिल जाएगा। अब आपको बताते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले आप मेल करें अपना पासपोर्ट स्कैन करके, फोटो खींच के नहीं। उसके बाद मेल आईडी पे अपना नंबर लिखें और दिए गए नंबर पे कॉल करें। उसके बाद ये सेल्फ सिलेक्शन है और डैडी का पासपोर्ट लेके आ सकते हैं। उसके बाद आपका गम का मेडिकल होगा, गम का मेडिकल होने के बाद डायरेक्ट आपका वीज़ा आ जाएगा और इसमें आपको टेस्ट में भी मारना पड़ेगा, नहीं तो आपको CV सिलेक्शन CV पे ही हो जाएगा इंशाल्लाह। ये कंपनी बहुत जल्द वीज़ा दे रही है। तो दोस्तों, ये रहा ओमान का रिक्वायरमेंट्स। अब दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले फ्यूचर में आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। बस दोस्तों, अब मैं विदा लेता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।